हेलो गाइस, दरमोन चैनल, माय सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस, जब अपन आया मैं नेक्स्ट वीडियो, डेट इज होमियोस्टेसिस, राइट? सो होमियोस्टेसिस, ओके। होमियोस्टेसिस एक्चुअली वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग स्टिल, मतलब मेंटेन रहना, कांस्टेंट रहना, ठीक है? तो मेरी बात समझो, क्या खेल चल रहा है, हुआ क्या भाई? मैंने आपको बताया कि भाई बॉडी में यार 60% जो फ्लूड है वो अपना बॉडी जो है वो 60% फ्लूड से बनी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में बटा हुआ है, राइट? अब देखो क्या होता है। अब ये इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर मैंने आपको बताया अलग अलग चीजें भरी पड़ी है। जैसे कि अगर इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर में बहुत अलग अलग तरह के आयन्स है, ठीक है? पहले तो अलग ही अपना न्यूट्रिशन है, ठीक है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ग्लूकोज हो गया, अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है? CO2 हो गया, ठीक है? और साथ में अपने एक आयन्स है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये ज्यादातर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं। इंट्रा सेल्यूलर की अपन बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे आयन्स अलग है, ठीक है? जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। आई मेरी बात समझ में? इतनी तो आपको बात आ गई थी समझ में। देखो तो क्या है ना यार, ये समझो यार मेरी बात को भाई। अगर मान लो ये इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर अपन ने डिवाइड कर रखा है किसी भी रीजन से, मान लो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में पोटेशियम तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी है, किसी भी रीजन से पोटेशियम थोड़ा कम हो गया, ये पोटेशियम कम होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। देखो लेट से कि पोटेशियम का नॉर्मल लेवल है 4.2, ठीक है? 4.2 भाई क्या फर्क पड़ता है यार, ये 3 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, कुछ फर्क पड़ता है क्या? अरे बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। अगर ये पोटेशियम किसी भी कारण से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो अपना जो हार्ट है वो डिप्रेस हो जाएगा, कार्डियक एक्टिविटी ही नहीं शो होगी, ब्लड पंप ही नहीं होगा। किसी भी तरीके से पोटेशियम कम हो गया, ठीक है, तो अपना पैरालाइज हो जाती है मसल्स, ठीक है? तो इसका ये मतलब है कि यार पोटेशियम या कोई भी आयन, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो टिटैनी हो जाएगा, इसका मतलब कोई भी आयन कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जितना एक्स्ट्रा सेलुलर डिपार्टमेंट में ये चीजें है ये कैसे भी करके मेंटेन रहे, ठीक है? ये तो अपनी हो गई सेल मेम्ब्रेन जिसने सब कुछ मेंटेन कर रखा है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें वो मेंटेन रहे, ठीक है, यहां तो मेंटेन रहे, साथ ही साथ पूरी बॉडी में भी सिमिलर रहे, एक जगह पे ज्यादा न्यूट्रिशन, एक जगह पे कम न्यूट्रिशन, ऐसा भी नहीं चलेगा। ये मेंटेनेंस ऑफ नियरली कॉन्स्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, करेक्ट? इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इस इंटरनल एनवायरमेंट में जहां पे अपना सेल रिसाइड कर रहा है, उसके आसपास के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ दिस नियरली कॉन्स्टेंट कंडीशन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ठीक है? आगे मेरी बात समझ में? होम्योस्टेसिस क्या है, मेंटेनेंस, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है? मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट, सब लोग कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं, नियरली कांस्टेंट, इतना हाइपर मेंटेनेंस तो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, कि एकदम टू द पॉइंट ऑफ शार्प मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस इन इंटरनल एनवायरनमेंट। आई मेरी बात समझ में? और इससे अपन कहते हैं होम्योस्टेसिस, और ये है आज का अपना टॉपिक, करेक्ट? आगे बात समझ में? देखो ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, देखो ध्यान से समझना, जैसे ये अपना होम्योस्टेसिस है, ठीक है, इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया कुछ मैकेनिज्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। देखो मेरी बात समझो कि भाई न्यूट्रिशन है, ठीक है, आपने एक सेल को दिया, बट वापस ये न्यूट्रिशन रिप्लेनिश होना चाहिए, हर चीज बराबर आनी चाहिए। इसका यह मतलब है कि हर जो चीज एक्स्ट्रा सेल्यूलर में है वो पूरी बॉडी में सिमिलर होनी चाहिए, तभी तो मैं कहूंगा होम्योस्टेसिस है भाई। पूरी बॉडी में सिमिलर आयन्स का लेवल होना चाहिए, ऐसा तो ना हाथ में आयन ज्यादा है, पैर में आयन कम है, कैसा लगेगा? शर्म भी नहीं आ रही अपन को ये बोलते हुए ना। तो पूरी बॉडी में मतलब पूरा बराबर लेवल रहना चाहिए। अब देखो यार, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ध्यान से समझो। देखो हो क्या रहा है, अपना लेफ्ट हार्ट है, ठीक है, उसने ब्लड को पंप किया। अब देखो अपने पास तीन चीजें हैं, न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स और आयन्स, करेक्ट? अब ये न्यूट्रिशन को मेंटेन करेगा अपना गट, ठीक है, न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स को, तो अपना न्यूट्रिशन है उसको अपना मेंटेन करेगा गट। ये गट एक्चुअली क्या करेगा, हर चीज को एक, हर न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में बैलेंस करके रखेगा, ठीक है? तो जो भी ब्लड यहां से जाएगा वो इक्वलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेगा, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर लेगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख सकते हो ये काम अपना लंग्स कर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहा है, आयन्स रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और आयन्स ये काम अपना किडनी करती है, राइट? तो इसका मतलब है कि पूरी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सारे वर्क कर रहे कि पूरी बॉडी में एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मेंटेन रहे। लास्ट में जाके जो कॉन्स्टेंट चीज आ रही है, अब आप देखो जो आपका लास्ट वाला जो हिस्सा है, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? जो लास्ट वाला जो अपना कैपिलरीज है, इसको मैं जूम करता हूं, ठीक है, ये जूम करने पर देखो ऐसा दिखता है, करेक्ट है? यहां पे क्या हो रहा है, देखो आप देखो आर्टरीज से आया, ठीक है, आर्टरीज, अब देखो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है अपना
जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है और उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक अलग ही बॉडी में नियरली कॉन्स्टेंट है। कैसे? ये होमोजेनिसिटी मेंटेन्ड है। समझो भाई, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड में गया, ठीक है, ब्लड से ये ब्लड कैपिलरीज में गया, ये ब्लड कैपिलरीज में अब देखो क्या हो रहा है, आर्टरी से जा रहा है। अब सेल के टाइम पे क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड जो है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, जो टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है टिश्यूज के बीच में, और जो प्लाज्मा है, ये अपने आप बैक एंड फोर्थ में रहता है, एक्सचेंज हो रहे, ठीक है, और यहां पे ये इक्वलाइज हो रहे और फिर बाद में ये वेन से जा रहा है, वेन से वापस ये लेफ्ट हार्ट में, राइट हार्ट से वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स ले लेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जीआईटी ट्रैक्ट गट ले लेगा और अपन को न्यूट्रिशन दे देगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का इंबैलेंस है वो किडनी बैलेंस कर लेगी, और वापस से सारा ब्लड कैपिलरीज में ये आर्टरीज में आएगा, कैपिलरीज में आएगा और वापस से वहां पे ईसीएफ मेंटेन रहेगा। दिस इज हाउ होम्योस्टेसिस इज एंड दिस इज हाउ होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स आर। मेरी बात आ रही समझ में? देखो यार, समझो मेरी बात को। देखो सबसे पहले अपने देखा है होम्योस्टेसिस क्या है, ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है, इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं जिससे इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे एट अ कांस्टेंट कंडीशंस, एट नियरली कांस्टेंट कंडीशंस, इससे अपन कहते हैं होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म, ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए अपना वर्ड क्या कहता है, ईसीएफ, ठीक है, कि भाई ईसीएफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कैसे होमोजेनाइज रहेगा, तो वो अभी मैंने आपको बताया वो कैसे सब चीजों से इंटीग्रेटेड है, ठीक है, ये होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है, अब देखो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म मेरी बात समझना, जैसे कि मान लो आपका बीपी नॉर्मल है, करेक्ट है, मैं यहां लिखता हूं बीपी नॉर्मल है, ठीक है, ये बीपी नॉर्मल है किसी भी रीजन की वजह से, जैसे कि मान लो कोई पैथोलॉजी आई, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा में आपको डायरिया हुआ और अब आपका बीपी गिर गया, करेक्ट है, ये बीपी गिर गया, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म क्या कहेगा, बीपी गिर गया, क्यों, क्योंकि डायरिया हुआ, बहुत सारा फ्लूइड लॉस हुआ, अब अपन को होम्योस्टेसिस करना है, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म करना है और कोशिश करेगा कुछ टर्म्स तक, कुछ हद तक ये बीपी को बढ़ा के ये लाना चाहिए नॉर्मल तक, करेक्ट है मेरी बात, ये बीपी को क्या करना चाहिए, नॉर्मल तक लाना चाहिए। मान लो किसी भी कारण से, ठीक है, ये बीपी बढ़ रहा है और ये बीपी को क्या लाना चाहिए, नॉर्मल लाना चाहिए, राइट। अब यार ये कितना बढ़ाए तब जाके नॉर्मल आए, मान लो नॉर्मल आ गया, अभी तो बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को भी रेगुलेट करना रहता है। इस होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को रेगुलेट करने को अपन कहते हैं फीडबैक सिस्टम, ठीक है, इसे अपन कहते हैं होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। आगे मेरी बात समझ में, होम्योस्टेटिक रेगुलेशन, ओके। अब ये फीडबैक सिस्टम, क्योंकि देखो ना आपको दिख रहा होगा ये फीडबैक सिस्टम दो तरीके से वर्क करता है, एक तो नर्वस, ठीक है, जो अपन सीएनएस कहते हैं, भाई आया स्टिमुलस ब्रेन तक गया और अपन ने रिएक्ट किया, और एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मैकेनिज्म में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और वो स्लो मैकेनिज्म है, घूम फिरा के दोनों ही फीडबैक कर रहे और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम शो कर रहे हैं, भाई कोई भी चीज ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, नॉर्मल से भी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो अपन उसको बैक ले लेंगे, कोई चीज कम हो रही है उसको वापस नॉर्मल की तरफ ले लेंगे, जो जिस डायरेक्शन में चीजें ज्यादा एक्सट्रीम जाएगी अपन उसको बैक की तरफ खींचेंगे, तो एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आया। आगे मेरी बात समझ में, इस तरीके से चीजें चल रही है, राइट, कॉलेरा आया, ये आया, ये आया, ये आया, यहां तक बात आ गई पूरी समझ में कि चल क्या रहा है, होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म उसको रेगुलेट करेगा अपना फीडबैक सिस्टम, जो कि बाय नर्वस एंड एंडोक्राइन, जिसे अपन कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। अब कॉलेरा आया, बीपी को खराब किया और इस तरीके से चीजें चल रही है। आई मेरी बात समझ में, इसका मतलब कोई भी एक, पहली बात तो कोई भी चीज होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म में रहना बहुत जरूरी है अगर अपन को अपना सर्वाइवल चाहिए, ठीक है। मान लो किसी भी वजह से ये होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म या ये फीडबैक सिस्टम वर्क नहीं करता, इस कंडीशन को अपन कहते हैं डिसीज। डिसीज मतलब अब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट है। और ये डिसीज होने की वजह से, ठीक है, अब डिसीज को अपन क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म भी कंटिन्यू वर्क कर रहे, इसलिए अपन हर डिसीज की पढ़ते पैथोफिजियोलॉजी, कि क्या वो पैथोलॉजी थी जिसकी वजह से अब ये फिजियोलॉजी देखने को मिल रही है, या ये बॉडी में कंपेंसेटरी मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है। समझ में आया? ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तो मेरे लिए बहुत आसान होगा आपको पूरी फिजियोलॉजी को इजीली पढ़ाना, ठीक है, इसलिए मैं आज सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूं।
आगे मेरी बात समझ में, तो होमोस्टेसिस मेंटेन्ड है, उसके लिए अपन होमोस्टेटिक मैकेनिज्म रखते हैं, उस होमोस्टेटिक मैकेनिज्म को ओवर एक्सट्रीम में ना चले जाए, इसकी वजह से अपने पास फीडबैक सिस्टम है जिसे अपन होमोस्टेटिक रेगुलेशन भी कहते हैं, विच कैन बी अचीव बाय नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। दिस नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम दिस फीडबैक सिस्टम हैज अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम राइट, और ये अगर सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो आपको क्या हो जाएगा, डिसीज। करेक्ट है, ये डिसीज होने की वजह से, ठीक है, डिसीज होने की वजह से एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म बॉडी में देखने को मिलेंगे। इस टर्म को अपन कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फिजियोलॉजी है और डिसीज पैथोलॉजी है, उसको अपन कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ये बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर डिसीज होती है ना तो आपके ECF जो है, ये आपको होम्योस्टेसिस है, वो उसके बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखो यार, आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें एक टेबल दिखा रखी है कि हर चीज की नॉर्मल वैल्यू क्या है। यहाँ पे 10 पॉइंट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोकार्बोनेट एंड ग्लूकोज बॉडी टेम्परेचर एंड एसिड बेस बैलेंस राइट। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल वैल्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ये देखो कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। जैसे आप अपन एसिड बेस की बात करते हैं, लास्ट में देखो, लास्ट में ठीक है 7.4 है नॉर्मल वैल्यू, बट इसकी रेंज देखो कितनी है, 7.3 से 7.5, ये इतनी नैरो रेंज है। इसका मतलब 0.5 का भी इम्बैलेंस अगर आता है एसिड बेस बैलेंस में या पीएच में तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है राइट। तो डिसीज की अपनी इतनी प्रॉब्लम्स है। ये जो आपको टेबल दिख रही है आपको एज इट इज याद करनी है, ठीक है। आप लोग कहोगे यार ये क्या तरीका हुआ, नहीं तरीका की बात नहीं है, देखो चीजें अपना भी याद भी हो जाएगी, वैसे नहीं भी याद करोगे तो याद हो जाएगी। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अपन रेस्पिरेटरी में कवर करेंगे, ग्लूकोज हो जाता है कवर, बॉडी टेम्परेचर आपको पता है, एसिड बेस बैलेंस हो जाता है, ठीक है। याद करने की कोशिश करूंगा तो बहुत अच्छा है, वैसे भी तुम्हें याद करनी है और अपने आप भी याद हो जाएगी क्योंकि अपन बहुत बार इसको रिवाइज करेंगे। अभी के लिए एक बार आप सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की वैल्यू याद रख सकते हो, ये तीनों तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन आयंस का वैल्यू, इनका होना, इनका सही नॉर्मल रेंज में होना अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बताया यार, पोटेशियम ज्यादा होने से कार्डिक मसल डिप्रेस हो सकती है, कम होने से पैरालाइज आ सकता है, कैल्शियम कम होने से टिटैनी हो सकती है, ग्लूकोज कम होने से कन्वल्जन आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आती है राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होमियोस्टेसिस क्या है, ये था अपना पूरा होमियोस्टेसिस। और अब अपन अगला पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने अभी आपको बता दिया, साथ में यार आपको ये पता नहीं चाहिए पॉजिटिव फीडबैक क्या है भाई। नेगेटिव फीडबैक तो चलो समझ में आता है कि होना भी चाहिए बॉडी में, कोई भी चीज गलत जाएगी तो उसको बैक टू नॉर्मल लाना है, बट पॉजिटिव फीडबैक क्यों, कोई चीज एक्सट्रीम में जा रही है उसको एक्सट्रीम में क्यों जाने देना है, वो भी अपन देखेंगे कुछ अगले वीडियो में, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक ओरिएंटेशन समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यार ये कह रहे होंगे लिखना कैसा। देखो वैसे तो यार सारे नोट्स आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, ठीक है। देखो यार, जो नोट्स है वो कहीं ना कहीं अपने थोड़े बहुत पेड रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना अच्छा और इतनी अच्छे से मेहनत करी होती है। अच्छा, एक डाउट बहुत बच्चों को होता है, सर आपकी जो नोट्स है क्या वो एज इट इज जो आप ये लिख रहे हो इसी की फोटो लगा रखी? नहीं 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 नहीं, गलत गलत नॉलेज है। मैं लिखता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, फ्लो चार्ट बनाता हूँ आपको एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बने, आपकी पिक्टोरियल मेमोरी तैयार हो, बट जो नोट्स में लिखा हुआ है बिल्कुल प्योर एग्जाम ओरिएंटेड लिखा हुआ है और ये सारी चीज आपको वहां लिखी हुई मिलेगी अच्छे से तरीके से विद अ वेल हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, अलग अलग कलर से एंड एक मजेदार फील के साथ, ठीक है। अगर होमियोस्टेसिस की बात करें तो यार आप डेफिनेशन देंगे, फिर आप बताएंगे ECF की होमोजेनिसिटी कैसे मेंटेन है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कैसे वीनस और वेन्स और आर्टरीज या कैपिलरीज के लेवल पर कैसी चीजें चेंज हो रही है। उसके बाद अपन जो भी आप डायग्राम और फ्लो चार्ट वो चार्ट सब बना सकते हैं, नॉर्मल रेंज दे सकते हैं और फिर आप ये सिस्टम भी बता देंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं होमियोस्टेसिस का जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप फीडबैक सिस्टम भी पूरा बता दे, ठीक है, मतलब ये और ये इसके बारे में पूरा लिख दे, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यार 2023 बैच, यार एक बात सुनो मेरी बात, ये जो भी फर्स्ट ईयर का बैच जो देख रहे हैं, ये जो भी बच्चे देख रहे हैं, यार मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कमेंट करके नहीं बताओगे कि समझ नहीं आ रहा, ये कैसा लग रहा है, देख तारीफ करोगे ना तो भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ जो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस पर ठोस रहूंगा और उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और कुछ दिक्कत लगे तो वो भी बता सकते हो, मेरे लिए जरूरी है आप लोगों का कमेंट करना। आप लोगों को पता नहीं कमेंट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छे से पता चलता है कि तुम लोग क्या चाह रहे हो, कैसे चाह रहे हो, राइट। और यार एक चीज और यार, आप लोग यार बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे यार, कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, एनाटॉमी तो बहुत हार्ड लग रही है, ठीक है, और अभी तो आप लोगों को क्लेविकल, स्कैपुला, आर्म यही हार्ड लग रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ये हार्ड लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे यार फिजियोलॉजी कैसे होगी, बायोकेमिस्ट्री कैसे होगी, एनाटॉमी में यही हार्ड लग रहा है, इतनी बड़ी एनाटॉमी है, ठीक है, जनरल एनाटॉमी बहुत मुश्किल से हुई थी, यहाँ पे एक तो ये सीनियर्स बोले पढ़ना है MBBS में, मतलब थोड़ा बहुत मजाक मस्ती कर रहे जो भी आप लोगों के साथ, आप लोगों को बड़ा अलोन फील हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कि हमने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इतना अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े कि नहीं पढ़े, कौन सी बुक पढ़े कौन सी बुक नहीं पढ़े, इतना पढ़ेंगे तो खेलेंगे कब, गर्लफ्रेंड कब बनाएंगे, ठीक है। यार सुनो मेरी बात, इतना कितने छोटे से तो बच्चे हो अभी नादान से, 12वीं तुमने निकाली, 1 साल का ड्रॉप हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या यार तुम लोग भी
इतना टेंशन नहीं लेना है, मेरी बात सुनो यार। देखो फिजियोलॉजी तो पूरा मेरे यहाँ से हो जाएगा, राइट। बायोकेमिस्ट्री भी मैंने अपनी एप्लीकेशन पे चालू कर दिया पढ़ाना, ठीक है। मतलब मैंने नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं और मेरे एक फ्रेंड है दोनों मिलकर के पढ़ा रहे, ठीक है। सेम लेवल मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा। एनाटॉमी आप क्योंकि सब्जेक्ट से एक्लिमेटाइज नहीं हो ना, इसलिए हार्ड लग रहा है आपको। क्लेविकल स्कैपुला अभी बहुत टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे पेस बनेगा। टेंशन मत लो, पढ़ना स्टार्ट तो करो, मेरी बात मान के एक बार बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, चीजें अपने आप होने लगेगी, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ 7 डेज पढ़ लो धीरे धीरे, और नहीं ज्यादा पढ़ना यार। तुम रोज 3 घंटे भी पढ़ोगे बहुत होता है फर्स्ट ईयर में, पर रोज 3 घंटे पढ़ना है यार। आज थोड़ा बहुत पढ़ा क्लेविकल, कल थोड़ा बहुत स्कैपुला पढ़ा, थोड़ा बहुत आर्म पढ़ा, थोड़ा बहुत बेसल प्लेसेस पढ़ा, 3 3 घंटे में जितना हो रहा था करो। स्टार्ट तो करो यार, और खेलो ना, किसने कहा, खूब खेलो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास खेलो। मैं बैठा हूं ना, कोई भी दिक्कत आई मैं लाइव सेशन हमेशा लेता रहता हूँ, कल भी लाइव सेशन लिया था, ठीक है। 95% मैं 100% तो हर हफ्ते लाइव सेशन देता हूँ, ठीक है। उसमें 95% चांस है कि मैं सैटरडे को लाइव सेशन लेता हूँ। आप आओ पूछो, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना। बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, फिजियोलॉजी हो जाएगा, नोट्स मिल रहे, सब मिल रहा है। एनाटॉमी बुक पढ़ो तो सही, तुम लोग अभी से इतना टेंशन ले रहे हो यार। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी बात मानो। ये सीनियर थोड़ा बहुत मजाक मस्ती कर रहे हैं, वो तुम्हारे सामने एक्ट करते कि देखो यार हम यूं हैं ऐसा। तुम लोग भी जब सेकंड ईयर में आओगे ना, तो तुम्हें फील होगा यार ये तो सब नाटक था एक तरीके से, सब मस्ती मजाक कर रहे थे, फिर तुम्हारे वो दोस्त बन जाएंगे, समझे। डरो मत, बस स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, अपने आप चीजें होगी, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद जय भारत।